आज हम बात करेंगे एक फेमस ब्रांड के बारे में, डायफूट एसबी। डायफूट एसबी फूड कंपनी की है और स्पेशली फूड क्रीम भी कहा जाता है इसे। फूड्स कंपनी भी ब्रांडेड कंपनी है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। आप डायफूट एसबी ड्राई स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्न स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका फूड क्रैक्ड है उस स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर सोराइसिस में भी इसे लिखते हैं, फ्रैक्चर एंड अदर कंडीशंस में भी ये लिखते हैं। इसका कंटेंट है सी बटर एलोनटोनिन विद मिथिकॉन क्रीम। इसमें और भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स है सी बटर एलोनटोनिन एंड डाइमिथिकॉन। एलोनटोनिन एक इम्यूलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फॉर मॉइस्चराइजिंग के लिए, और कैरेटोलाइटिक इफेक्ट इसके अंदर मौजूद है, जैसे कि आपकी स्किन में अगर कोई वॉट्स हो, कैल्यूस है और उधर लीजन्स है, आप निशानी है इसको ये निकाल देगा। और सी बटर एक्चुअली अफ्रीकन से एक नट्स है जिसका ये छिलका होता है, उस छिलके से ये बना हुआ है। इचिंग्स है और दूसरी इरिटेशंस अगर स्किन्स में हो या जख्म हो तो ये सी बटर उसे सही कर देता है। डाइमिथिकॉन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी स्किन्स में जो ड्राइनेस है उसे ख़त्म करती है, ख़त्म कर दे, और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के तौर पे इसे इस्तेमाल किया। आपकी स्किन पे अगर इचिंग हो रही है या माइनर इरिटेशंस हो रहा है तो डाइमिथिकॉन की वजह से वो चले जाएगा। अभी हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट तो नॉर्मली इसके कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टली है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जैसे आप अगर ये क्रीम यूज़ करते हैं तो आपको बर्न या इचिंग होता है या स्टिनिंग होता है या आपको फील होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। प्रिकॉशंस ये लेना है कि आपके को कोई भी एलर्जिक कंडीशन है स्किन की या आप सर्जरी करवाने वाले हैं तो आप इसे इस्तेमाल ना करें। आई के पास, म्यूकस मेम्ब्रेन के पास आप इस्तेमाल ना करें। ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, चिल्ड्रन से दूर रखिए और इमीडिएटली अप्लाई करने के बाद इसे वॉश ना करें, इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये 100 ग्राम के पैक में मार्केट में इजीली